प्रदेश में आज 145 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं सामने। मरीजों की संख्या 7,000 के पार। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में रोजाना हो रही हैं 16,000 से ज्यादा जांचें। चाहे वो प्लेन से आए, चाहे वो आपका बाय ट्रेन आए, चाहे बाय खुद के बाय रोड आए, सबके लिए राजस्थान सरकार ने ये तय किया है कि उनको आवश्यक रूप से 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, ताकि ये जो संक्रमण है ये फैले नहीं। 14 दिन के क्वारंटाइन की अवधि उनको घर पे ही गुजारनी पड़ेगी। और जो लोग बिजनेस पर्पज से भी आएंगे, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएंगे, मान लो 5 दिन के लिए आएंगे, या और किसी काम से आ रहे हैं छोटे टाइम के लिए, वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए कहा गया भी वो RT-PCR टेस्ट या तो करा के आएँ, या फिर वो आते ही यहाँ हमारे सरकारी क्वारंटीन में रहें, अपना टेस्ट कराएं, जब नेगेटिव हो जाएं उसके बाद अपना जहाँ जाना जाएं और वापस चले जाएं। फिर हमारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है पूरे प्रदेश के अंदर, और ये संक्रमण बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। पॉजिटिव केस बढ़ना ये हमारी टेस्टिंग बढ़ाने की वजह से है, लेकिन उनको हम टाइमली आइसोलेट कर देते हैं, टाइमली क्वारंटाइन कर देते हैं, टाइमली होम आइसोलेट कर देते हैं। तो कुल मिला के ये जो सावधानी हम बरत रहे हैं, हमारे राजस्थान में चिकित्सा महकमे ने, हमारी मेडिकल की टीम ने, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल्स है, सफाई कर्मी है, पुलिस डिपार्टमेंट की टीमें हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब ने मिलजुल के एक टीम वर्क के रूप में राजस्थान में जो कोरोना की महामारी से प्रदेशवासियों को बचाया है अब तक, आगे भी हमारा ये ध्येय है कि हम राजस्थान में इस महामारी के प्रकोप को मिनिमाइज करेंगे और प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे।